आज के इस एग्जीबिशन में मैं सभी विजिटर्स लोगों का स्वागत करता हूँ और सभी जो पार्टिसिपेंट है उनको बढ़िया प्रतिसाद मिले ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। ये जो नेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है एक्सपो 2023 का, इसमें नागपुर के हमारे जो युवा उद्योजक है वो बड़े पैमाने पर उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया है और ये 2, 3, 4, 5 तारीख तक यहाँ पे रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नागपुर के बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर इनके उद्योग को बढ़ावा देंगे और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ में। आज जो यहाँ पे नेशनल ट्रेड फेयर जो शुरू किया है, जो दूसरा साल है, नागपुर के जो युवाओं ने बहुत ही अच्छी तरीके से, जो उद्योजक है उन्होंने सही तरीके से, यानी हम सोशल बेसिस के ऊपर या कम्युनिटी लेवल के ऊपर किस तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण दिया है। और हम इस एक्सपो में सभी लोगों को विनती करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और ये अपने जो युवा तरुण है जहाँ पे नौकरियाँ नहीं है इसलिए जो उद्योग की तरफ बढ़ रहे ऐसे लड़कों को इंस्पायर करे, ऐसे लड़कों के पीछे खड़े रहे, यही मैं सभी सोसाइटी के लोगों को विनती करता हूँ। और इस एक्सपो के लिए मैं सभी ऑर्गेनाइजर टीम को मैं अभिनंदन करता हूँ। सभी स्टॉल पे जिन्होंने स्टॉल बुक किया है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और जितने भी जो लोग आ रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो स्टेज मतलब शॉप पे आ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आए यहाँ पे और जो बुद्धिस्ट स्टॉल्स है उसके ऊपर आए और उनके जो ट्रेडर है उसको सपोर्ट करें। आज के प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा, नेशनल ट्रेड फेयर 23 एक्सपो, ये हमारा सेकंड वर्जन है, हम इसको 2.0 के तहत भी कह सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि एक पीछे जो स्टॉल मतलब एक कंपटीशन चल रही है बच्चों के लिए, उस कंपटीशन के अंदर हम बच्चों को मतलब एक फैंसी ड्रेस जिसमें वो ट्रेडिशनल वेयर पहन कर आए, साथ साथ एक लेडीज़ का भी ट्रेडिशनल वेयर हम ले रहे हैं। आज आप देख सकते हैं कि एक अम्बेडकर लोगों का एक बहुत बड़ा इवेंट बेजनबाग ग्राउंड पर हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि इतनी रौनक लगी हुई है और ये हमारे सारे टीम का काम है, नेशनल ट्रेड फेयर टीम इवेंट का काम है, प्रवर्तन इवेंट्स करके हमारा जो एक है उसके तहत हम ये चला रहे हैं। और हमारे साथ पूरी टीम है, विक्रम सर, हितेश सर, शुभम जी, हमारे कांबड़े सर है और रजनीश सर भी है हमारे साथ, ये सारे हम एक साथ काम करके इस इवेंट को हम सक्सेसफुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं आगे। और शुभम जी प्लीज, शुभम अपने बारे में। मेरा नाम शुभम मांडवकर है, हमने लास्ट ईयर सर एक्सपो ऑर्गेनाइज किया था, उससे हमने सीख कर कुछ मोटिवेट होकर और हमने अपॉर्चुनिटी जो लोगों को दी थी, लोगों का फीडबैक ऐसे था कि ये एक्सपो और एक बार होना चाहिए, उसके अंडर में हमने प्रवर्तन इवेंट अंडर बैनर के अंडर में हमने वापस एक बार इस एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब काफ़ी लोगों ने इसमें स्टॉल्स अपने पार्टिसिपेट किया हुआ है और रिस्पॉन्स भी हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और मैं गुजारिश करना चाहूँगा लोगों से जो हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो प्लीज़ आके अपना एनरोल दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके हमारे एक्सपो को विजिट कीजिए। मैं हितेश पिल्लेवार, हमारा प्रवर्तन इवेंट्स के माध्यम से ये नेशनल ट्रेड फेयर एक्सपो ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमारा उद्देश्य ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करने के पीछे ये है कि जितने भी छोटे मोटे और उद्योजक हैं, एंटरप्रेनर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, उनका नेटवर्क बने, उनका बिजनेस बढ़ाया जाए। ठीक है, नेटवर्क बढ़ेगा तो बिजनेस बढ़ता है। पिछले साल जैसे हमारे शुभम सर ने बताया कि पिछले साल भी हमने ऑर्गेनाइज किए थे, बहुत अच्छे रिस्पांस मिला था और इसको इस बार और बड़े लेवल पर हम लेके जाने चाहते थे, तो इसलिए इतना हमने इतने बड़े लेवल पर इसको ऑर्गेनाइज किया है और इसका हमें रिजल्ट भी मिला है। हमारे जो स्टॉल्स बुक हुए हैं वो पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले से, सातारा, मुंबई, यहाँ से भी स्टॉल्स बुक हुए हैं। साथ ही साथ यूपी से 8 से 9 स्टॉल्स बुक हुए हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है, बनारसी साड़ीज है, तो पूरे इंडिया के कम से कम 7 से 8 राज्यों से हमें यहाँ स्टॉल बुकिंग हुई है। साथ ही साथ अगर इस ट्रेड फेयर में छोटे उद्योजक भी हैं जो अचार पापड़ गृह उद्योग चलाते हैं और साथ ही साथ बड़े बिजनेसमैन भी है, जैसे डेवलपर है, बिल्डर्स, डेवलपर्स, यहाँ हमारा चेतक का भी स्टॉल लगा है। ठीक है, तो करीबन हम सफल हुए हैं इस आयोजन के थ्रू सारे एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे बड़े सभी को एक साथ लाने के लिए।
मैं बताना चाहूंगा कि प्रवर्तन इवेंट्स जो है, हम लोग प्रवर्तन इवेंट्स के द्वारा ये कोशिश कर रहे हैं कि जो बहुजन अम्बेडकर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किसी तरीके का प्लेटफॉर्म मिला है। इसमें बेसिकली दो तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं। पहला एक तो है B2B, हम लोगों के एंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे हैं, नए एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी सारे हैं, लेकिन उन लोगों का एक दूसरे के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क नहीं है। तो B2B का मतलब है कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन हो, नेटवर्क हो। दूसरा B2C मतलब जो हमारे जो 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 पोटेंशियल कंज्यूमर्स हैं उन तक हमारी बात जाए, कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो जो बिजनेसमैन है वो कौन कौन है, तो उनको पता चले। तो इस तरीके से हम लोग B2B और B2C दोनों के तहत हम लोग ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किए, और हम लोग ये मानते हैं कि हम प्रवर्तन इवेंट्स के द्वारा ये हमारा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूशन समझकर हम करें कि एक बाबा साहब अम्बेडकर की मिशन है, जो उस मिशन के लिए हमारा कंट्रीब्यूशन है। लोग अलग अलग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमें महसूस हुआ कि ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर तरीके, मतलब हर किसी के लिए स्कोप है। मतलब नौकरी में है कि 100 नौकरी है, 1000 लोग है तो 100 को ही मिलेगा। अगर 1000 एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, हज़ारों भी बन सकता है। और ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन का हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो GDP 6.5-7% बढ़ रही, तो अभी रिसेशन के बाद और अच्छा कर सकती है। तो ग्रोइंग इकोनॉमी है अल्टीमेटली, और ये ग्रोइंग इकोनॉमी में जो हमारी जो कम्युनिटी है, बहुजन कम्युनिटी है, मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, उसको कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में लाने की हमारी कोशिश है। तो ये सारा प्रवर्तन इवेंट्स के द्वारा ये एक अम्बेडकराइट मोमेंट के लिए हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये आप समझ सकते हैं। नेशनल ट्रेड फेयर का सबसे बड़ा, यानी जो हमारे को स्पॉन्सर्स मिले उनका सबसे तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ पूरी टीम मेंबर्स की तरफ से, क्योंकि इमेजिनेशन रिसोर्ट हमारे मेन स्पॉन्सर है, जैसे लीड पार्टनर है हमारे एपिडा है, को स्पॉन्सर में हमारे 0712 है, केसरलैंड है, मैत्रिया डेवलपर्स। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता टीम को, जो पूरा हमारा इवेंट का जो टीम है, ये अगर इस टीम को सफल करने के लिए जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनका सभी का, सारे टीम मेंबर्स की तरफ से मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। और हमारा ये मोटो है कि यूथ एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करना, इसलिए हमारी ये टीम, क्योंकि देख सकते हैं टीम में जो हमारे सबसे सीनियर है, जो हम लोग जिनको रिस्पेक्ट करते हैं, विक्रम सर ये बाय प्रोफेशनली चार्टर्ड अकाउंट है, और इतना बड़े चार्टर्ड अकाउंट होने के बाद इतनी बड़ी टीम को मैनेजमेंट करना, पूरे एग्जीबिशन को मैनेजमेंट करना, अगर विक्रम सर इसमें अगर अपना पहला कदम नहीं डालते तो शायद से टीम अपना दूसरा कदम नहीं डाल सकती। तो इसलिए क्या, एक जो बड़ी नाव होती है, बड़ा जहाज होता है, उसको लीड विक्रम सर ने किया, और विक्रम के सर के पीछे हम सभी टीम ने उसको डेवलप किया। तो हमारा सबसे बड़ा मोटो है कि हम यूथ एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और यहाँ पे इंडिया में जितने भी यूथ है और नागपुर के यूथ है, उनको सभी को मैं गुजारिश करूंगा हमारी टीम की तरफ से कि आप इस एग्जीबिशन को सक्सेस करने के लिए मैन टू मैन इसको माउंट पब्लिसिटी से इसको सक्सेस करें और इस इवेंट में आए नेशनल ट्रेड फेयर में। ये एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के पीछे का जो थीम था कि हम लोगों ने ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैं पिछले 6 साल से प्रैक्टिस में हूँ, काफ़ी बिजनेसमैन से मिलता हूँ, बिजनेसमैन को देखता हूँ और किस तरीके से बिजनेस में डिफ़िकल्टीज वो लोग फेस कर रहे हैं। तो मेरे ध्यान में जो आया कि कहीं तो भी हमारे जो अम्बेडकराइट या बहुजन एंटरप्रेनर्स है, इन लोगों को सबसे ज़्यादा जो तकलीफ हो रही है वो कंज्यूमर के पास पहुंचने के लिए तकलीफ हो रही है, या हमारे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनकी इच्छा बहुत होती है कि हमने हमारे लोगों से प्रोडक्ट्स लेने चाहिए, हमारे लोगों से सर्विसेज लेनी चाहिए, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि कौन से सर्विसेज में, कौन से प्रोडक्ट्स में कौन सा व्यक्ति डील कर रहा है। तो ये दोनों के बीच की जो गैप है उसको पूरा करने के लिए हमने ये थीम डिज़ाइन की है, इसमें पूरे टीम का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और ये थीम को डिज़ाइन करके हम लोगों ने इसमें कंज्यूमर और एंटरप्रेन्योर्स ये दोनों के बीच की जो गैप है उसको कम करने की कोशिश की है। और ये हमारा सेकेंड टाइम हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, फर्स्ट टाइम से जो फीडबैक मिला इसीलिए हम लोग और अप्रिशिएट हुए और इसको बड़े लेवल पर इस बार ऑर्गेनाइज़ किया। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पूरे के पूरे स्टॉल बुक है, और ये बहुत ही यहाँ पे टोटल 150 स्टॉल्स है, और 150 एंटरप्रेन्योर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी है, अलग अलग स्टेट से भी है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, खास करके इसमें अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी जो है वो अम्बेडकराइट और बहुजन एंटरप्रेन्योर्स है,
और हम चाहते हैं कि आने वाला समय जो होगा वो हमारे एंटरप्रेनर्स का होगा, तो इसीलिए इस तरह की पहल होना बहुत जरूरी है। सोसाइटी में ऐसे एग्जीबिशंस या ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेवल पर ऑर्गेनाइज हो, और उसके लिए हमारी टीम हमेशा तैयार रहेंगी। हम लोगों को गाइड करने के लिए भी तैयार है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ ये नागपुर तक ही सीमित ना रहते हुए इसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, दूसरे स्टेट में और बाकी सभी जगह पर इसको बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाए, और हमारे एंटरप्रेनर्स को बड़े से बड़े लेवल पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म देना चाहिए और उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हमने प्रमोट करना चाहिए। तो मैं सुनने वाले सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अभी भी हमारा एक्सपो जो है वो और आगे 3 दिन है, 3, 4 और 5 मार्च को, तो सभी लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पे विजिट करने के लिए आइए। आप देखिए कि कैसे एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स ऐसे मिलेंगे आपको जो महिला है या बचत गट से काम कर रहे हैं या नव युवक है जो चाहते हैं कि अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को कुछ लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो इसीलिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आइए, उनके प्रोडक्ट्स देखिए, आपको पसंद आते हैं तो खरीदिए और उनको उनका मनोबल बढ़ाइए। हेलो साथियों, जय भीम। मैं पवन मेश्राम। नेशनल ट्रेड फेयर 2023 जिसको प्रवर्तन इवेंट्स के द्वारा हमने इसको आयोजित किया है, और यहाँ पर जो है हम लोग अलग अलग क्षेत्र के युवा जो अलग अलग व्यवसाय करते हैं, अलग अलग बिजनेस और एंटरप्रेनर्स हैं नए, ये सब लोग अलग अलग क्षेत्र के और साथ ही अलग अलग संगठनों में काम करने वाले युवा हम सभी यहाँ पर नागपुर में एकत्रित हुए, और हमारे एंटरप्रेनर्स की जो समस्याएं हैं उसको हमने आइडेंटिफाई किया और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली कंज्यूमर यानी ग्राहक जो उन्हें नहीं मिल पाता है, इसके लिए हमने ज़्यादा मेहनत की और इसलिए ये बड़ा प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है। देखने में आता है कि छोटे छोटे महिला बचत गट या छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनाइज प्रोग्राम होते हैं, मगर इतने बड़े लेवल पर कोई प्रोग्राम हमारे समाज में एंटरप्रेन्योर्स को कंज्यूमर प्रोवाइड करने के लिए नहीं होता है। तो इसके लिए हमने हिम्मत किया और पिछले 2 साल से सतत इस कार्य को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिस तरह हमने इस इवेंट को बनाया है और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, तो मेरा आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से देश भर के सभी संगठनों से निवेदन है कि हमारे पास में रिसोर्सेस है, इसका इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा, और हम लोग बहुत आसानी से बहुत बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं। जिस तरह हम सोशल आयोजन करते हैं, हम लोग राजनीतिक आयोजन करते हैं, उसी तरह से एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, बिजनेस के लिए भी हम बड़े आयोजन कर सकते हैं। इस चीज़ को हमने यहाँ पर जो है वो सिद्ध करके दिखाया है। तो मैं सभी संगठनों से और हमारे जैसे युवा जो अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने एकत्रित होकर इस काम को जो है अंजाम दिया है, और आज लाखों लोगों ने जो है हमारे एंटरप्रेन्योर्स को पहचाना है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा कौन सा व्यक्ति क्या काम कर रहा है ये किसी को पता ही नहीं। तो इस वजह से हमें जो भी प्रोडक्ट खरीदने हैं या फिर सर्विसेज लेनी है तो हम किसी और से लेते हैं, और वो हम इकोनॉमी दूसरे की मजबूत करते हैं। तो इस माध्यम से हम अपने समाज की अर्थव्यवस्था मजबूत भी कर सकते हैं और निर्माण भी कर सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि हमारी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस तरह के आयोजन कीजिए। इस तरह के आयोजन करने के लिए अगर आपको किसी भी साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, ये आयोजन किस तरह होता है, इसमें क्या परेशानी आती है, उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम खुले दिल से आप सभी को बताने के लिए तैयार है। तो आप कभी भी चाहे तो हमसे संपर्क करें और इस तरह के आयोजन अपने शहरों में, अपने राज्यों में भी करें, और राष्ट्रीय लेवल का जैसे हमने ये आयोजन किया है तो कृपया आप भी अपने एरिया में जरूर करें, हम मदद करेंगे।